झारखंड बिहार के हम पहले लैंड डेवलपर हैं जो कि आपको पीसीसी रोड बना के दे रहे हैं। ये पूरा ब्रिक वॉल है सर, अपना 50 साल 100 साल भी ये चलेगा। सोसाइटी का खुद का ट्रांसफार्मर है, पार्क डेवलप करके दे रहे हैं, मंदिर है हमारा, पार्क विद जॉगिंग ट्रैक हो गया, गार्ड रूम हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया। आपका ईएमआई हो जाएगा सर विदाउट एनी इंटरेस्ट, मात्र 901 रुपया है सर स्क्वायर, और विद इन 10 किलोमीटर आपको सारा कुछ अवेलेबल है सर। अच्छे स्कूल लाइक डीएवी है, डीपीएस है, विकास है, कलकत्ता पब्लिक स्कूल है। तो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मॉन्टी ब्लॉग। कैसे है? तो इस वक्त हूँ मैं रांची से कुछ किलोमीटर दूर पे, आप लोग के लिए प्लॉट लेके आया हूँ जो आप लोग खरीदना चाहते हैं। ये प्लॉट की कीमत बहुत ही कम है। पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये सीएनडी फ्री है, यानी कि जनरल लोगों के लिए है। तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं अपना खुद का प्लॉट, और यहाँ पे जो सोसाइटी बनने वाला है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। तो पहले चाहेंगे कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग से देखें, तो यहाँ से रिंग रोड कितना दूर है, यहाँ से रांची टाउन सिटी कितना दूर है, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, ये सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोगों को देखना होगा अगर रांची में प्लॉट खरीदना चाहते हैं हमारे माध्यम से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना पड़ेगा, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो सबसे पहले आपके फोन पे दिख जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि भव्य बिहार क्या है, यहाँ पे क्या सोसाइटी बनने वाला है, और क्या आपको इस प्लॉट से बेनिफिट होगा, और बहुत कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं हम लोग मेन गेट से, उसके बाद फिर आपको पूरा प्लॉट दिखाते हैं और पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहाँ पे कैसे आपको प्लॉट खरीदना है, ये सारा कुछ मैं और हमारे जो यहाँ पे हैं साथी वो आपको बताएंगे। तो हमारे साथ, हेलो सर, मेरा नाम संजय राज मेहरा हुआ जी। मोंटी जी वेलकम, इट्स हमारे प्लेजर कि आप यहाँ पर हमारे पास आए जी। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम संजय राज मेहरा हुआ, मैं यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हूँ सर जी जी। और ये अपनी कंपनी है सर, त्रिकुट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड जी। त्रिकुट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी हुई जी। इसके तत्वाधार में ये अपने एक प्रोजेक्ट है जी, भव्य विहार जी। ये तो आपका प्रोजेक्ट मैं देखा, काफी नाम हो रहा है इसका रांची में। और तो सर, ये भव्य विहार है क्या? सर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भव्य विहार, ये आपके नाम के अनुरूप ही काफी भव्य है सर। ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, ये आता है अपने त्रिकुट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जी, उसके अंतर्गत ये हमारा बना हुआ है सर। ठीक है, आइए, वेलकम सर जी। तो ये मेन गेट था आपका? हाँ जी, हाँ जी, ये अपना मेन एंट्रेंस गेट हुआ जी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे गार्ड रूम अपना हुआ है। ठीक है, ये हमारा मेन एंट्रेंस हुआ सर जी, जो कि 34 फीट वाइड रोड है। 34 फीट? जी जी जी, 34 फीट वाइड रोड होती है, जो कि इतने चौड़ी सड़कें आज के डेट में कोई भी लैंड डेवलपर देना नहीं चाहता है जी, जी। बट हमने ध्यान रखा है अपने जो भी ग्राहक है, ताकि उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो अपना है ये काफी बड़ा है सर जी, जी। तो जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सर कई लोग आते हैं, तो उस समय फिर क्या होता है, फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो हमने ये सारी चीजों को शुरू से ही ध्यान में रखा हुआ है। आइए सर, आपको दिखाते हैं आगे प्रोजेक्ट के अपने बारे में। और जैसा सर आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि अपना वो एंट्रेंस गेट हुआ, ठीक है, ये अपना एक और आयरन गेट बनाया हुआ हमने, ठीक है, ये हमारा सेकंड एंट्रेंस है। यानी हमने सिक्योरिटी जो भी अपनी है वो डबल एंट्रेंस है, कोई भी अगर सोसाइटी माना चाहता है तो फिर वो डबल चेकिंग के माध्यम से ही अंदर आ पाएगा सर। ठीक है, डबल चेकिंग होगा तब आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो पाए सर। ये तो हम लोग इन कर गए जी जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर ये जो अपना रोड बना हुआ है ये पीसीसी रोड है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सर झारखंड बिहार के हम पहले लैंड डेवलपर हैं जो कि आपको पीसीसी रोड बना के दे रहे हैं। हाँ हाँ जी सर, इसलिए कि अभी तक हमने नहीं देखा कि पीसीसी रोड कोई बना कर, बिल्कुल बिल्कुल, खासकर लैंड डेवलपर सर। ठीक है, आइए आप देख पा रहे हैं जो ये जो रास्ता है अपना 34 फीट चौड़ा रहा, 34 फीट चौड़ा जी, 34 फीट वाइड रोड है सर अपना ये जी। और जैसे आप देख पा रहे हैं बजरंगबली यहाँ पर स्थापित किया है हमने, ठीक है, पूरा पेड़ का रूप ले लेगा सर, लगेगा कि इसे एक पेड़ पे हमारे बजरंगबली स्थापित है, बैठे हुए हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं जस्ट इसके एंट्रेंस में ही हमारा ये 14 डिसमिल प्रॉपर्टी यहाँ लिया हुआ है। अच्छा। यहाँ पर हमारा मंदिर आएगा सर। अच्छा, यहाँ पे टेंपल आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हमारा मंदिर आएगा, इसका एंट्रेंस इधर से होगा, ताकि गेट के एंट्रेंस में ही मंदिर रहने से अच्छा होता है सर। वो निकलते घुसते एक आस्था होती है ना लोगों का कि भाई दर्शन करके जाएंगे, दिन शुभ चले अपना। सर मैं एक चीज यूनिक देख रहा हूँ, बट अभी तक मैंने देखा नहीं है प्रॉपर्टी में, ये जो नाली जो आप बना रहे हो
ये बहुत ही मतलब बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, एक बात होती है ना कि बहुत सारे लैंड डेवलपर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि एमिनिटीज हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, बट वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अपना सबसे बड़ा यूएसपी के सर, अपनी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। आप देख पा रही है जो नाली अपना बना हुआ है सर, ये पूरा ढलाई का कंक्रीट ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, हम चाहते तो ब्रिक वॉल का भी नाली बना सकते थे, ब्रिक का भी, ठीक है, लेकिन फिर दो बरसात के बाद टिक नहीं पाता वो। ये जो है अपना, ये मान के चलिए कि जब तक सोसाइटी रहेगी ये नाली टूटने वाला है नहीं सर। क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस सोसाइटी में? जी बिल्कुल सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि दो एंट्रेंस गेट होगी अपना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फुल कैंपस बाउंड्री वॉल, ये पूरा ब्रिक वॉल है सर अपना, ठीक है, पूरा कॉलम करके ढलाई करके ये पूरा ब्रिक वॉल बनाया है हमने। अच्छा, ये ब्रिक वॉल की खासियत ये होती है सर, ये जल्दी गिरता नहीं है सर, ठीक है यार। ये अगर मेंटेनेंस होता है तो 50 साल 100 साल भी ये चलेगा। जैसे आरसीसी वॉल में क्या होता है कि एक पिलर गिरा तो फिर वो पूरा वॉल गिर जाता है, ठीक है। जैसा देख पा रहे हैं ये रोड हमारा 34 फीट बताया था आपको, तो ये 17 फीट इन 17 फीट आउट है सर, ठीक है। 17 फीट इन है और 17 फीट आउट है, बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक दो प्लॉट के बाद, ठीक है, आप देखेंगे कि हमारा रोड है, ठीक है, और उसमें ही हमारा ये डाइवर्सन दिया गया है ताकि उस रोड के लोग आराम से निकले और फिर इन कर जाए, अच्छा, ट्रैफिक जाम ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रोड साइड ट्री प्लांटेशन हमारा पूरा किया हुआ है जी, ये तो मैं देख रहा हूँ जी जी, ये पूरे एकदम प्लॉट में जाएगा अपने लास्ट तक सर, पूरे प्लॉट में जाएगा लास्ट तक। हाँ जी, हाँ जी सर। और ये सीनियर सिटीजन साइट आउट जो देख रहे हैं बैठने के लिए बना हुआ है, ठीक है, ये भी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में रहेगा सर। अच्छा, प्लस ये स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं जी, ये स्ट्रीट लाइट भी पूरे प्रोजेक्ट तक रहेगा अपना सर। अच्छा अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट सर अपना 34 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है सर, ठीक है, 34 एकड़ सर, 4 एकड़ यानी कि 34 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। और सर सबसे बड़ी बात होती है ना सर, देखिए रांची में क्या होता है, सीएनटी फ्री प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, सीएनटी फ्री सिर्फ लिख नहीं रहे हैं सर, ये हमारा पूरा सीएनटी फ्री है। अच्छा, यानी कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं, हाँ, जो प्रॉपर्टी आपको रजिस्ट्री मिलने वाली है ये सारा सीएनटी फ्री है। बहुत जगह आप क्या देखते होंगे, जो रोड रास्ता है वो एसटी से मैनेज होता है, और जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे होते हैं वो जो होता है वो आपको जनरल जमीन होती है, बट अपने यहाँ सर वो चीज नहीं है, ये सारा अपना जो है जनरल जमीन, जनरल ठीक बिल्कुल। प्लस हम लोग बात करते हैं एमिनिटीज की, फैसिलिटी की आपने पूछा हमसे, ठीक है, देख पाएंगे जैसे मैंने बताया कि वहाँ मंदिर दे रहे हैं हम लोग, सोसाइटी का खुद का ट्रांसफार्मर है, 5-5 KVA का 2 ट्रांसफार्मर दे रहे हैं सर हम लोग। इसके अलावा हम पार्क डेवलप करके दे रहे हैं विद जॉगिंग ट्रैक। अच्छा, पार्क के अलावा सर किड्स प्ले एरिया दे रहे हैं। अच्छा, किड्स प्ले एरिया भी है पार्क के अलावा। इसके अलावा हम बैडमिंटन कोर्ट बना के दे रहे हैं सर, फिर कम्युनिटी हॉल का स्पेस हो गया, पार्टी फंक्शन लॉन हो गया अपना, ठीक है, छठ पूजा के लिए तालाब बना के दे रहे हैं सर, हमने लोगों की आस्था के प्रतीक को भी ध्यान में रखा है और इसलिए हमने छठ पूजा का तालाब बना के दे रहे हैं। उसके बीच में इस तरह का ही एक पिलर बना रहेगा, उसमें सूर्य भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित करके दे रहे हैं, उसमें बनाया जा रहा है सिर्फ छठ पूजा करने के लिए लोगों को, जी जी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी की, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा कि दो दो गेट हमारा है, ठीक है, प्लस आप देख पा रहे हो वो जो घर बना हुआ अपना वो फेस टू का लास्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हर एक कॉर्नर पे हमारा वो एक गार्ड रूम बना रहेगा, ठीक है, प्लस सीसीटीवी सर्वेलेंस पूरा रहेगा सर, ठीक है, जो कि यहाँ से मॉनिटर होगा, तो आपकी सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पर हमने ख्याल रखा है सर, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं और एमिनिटीज की। जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट ड्रेन सिस्टम हो गया, 34 फीट वाइड रोड हो गया, सीसीटीवी सर्वेलेंस हो गया, कम्युनिटी हॉल का स्पेस, छठ पूजा का तालाब, किड्स प्ले एरिया, टेंपल, स्ट्रीट लाइट, बैडमिंटन कोर्ट, प्लॉट का डीवीसी, इट मींस कि ये जो प्लॉट देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो नींव बंधी हुई है, ठीक है, ये भी हम करके दे रहे हैं सर। इसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट पेयर नहीं करना है। अच्छा, बहुत जगह आप जाते हो तो क्या होता है, देखते हो कि वहाँ पर खुट्टा गाड़ के वो रस्सी से नाप करके या चूना गिरा के देता है कि भाई आपकी जमीन अपना बाउंड्री खुद करो आप, ठीक है, बट आप देखेंगे यहाँ पर आके ये डीवीसी हम करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये सर, ये देखिए जैसे ये डीवीसी हो गया, जैसे 3 डिसमिल की प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है, अब इसमें डीवीसी करके दिया है, ये 5 इंची आप इस प्लॉट के लिए है, 5 इंची इस प्लॉट के लिए है, ठीक है। और जब भी आप घर बनाएंगे, ठीक है, तो आपको 2 फीट घर छोड़ के बनाना है। अच्छा, आप बाउंड्री यहाँ से कर सकते हैं लेकिन घर जब बनाएंगे तो आपने 2 फीट छोड़ के बनाना है। अच्छा, ताकि आपको ही प्रॉपर वेंटिलेशन मिले और आपके पड़ोसी को भी, प्लस कभी भी कलर वलर करना हो, कुछ ड्रेनेज या पाइपलाइन का काम करना हो तो आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे करें सर। अच्छा, ठीक है। फिर बात करते हैं सर हम लोग की, आप देखिए प्लॉट नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो कभी भी आप आइएगा तो प्लॉट नंबर लगा रहेगा आपका, ठीक है, प्लस ये जो प्रॉपर्टी देखे बाद भी आप देखेंगे, देखिए वहाँ से हमने 1.5 फीट का जो प्रॉपर्टी लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी आपकी जमीन पे ही है, बट इसमें हम नाली आपको बना के दे रहे हैं। अच्छा, नाली बना के दे रहे हो आप? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो ये सारे फैसिलिटीज हैं, प्लस के अलावा भी हम लोग बहुत से चेंजेस करते रहते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, जो जेन्युइन डिमांड होती है, जो अच्छी होती है, वो हम लोग एड ऑन करते रहते हैं सर जी। तो ये अपना होगी फैसिलिटीज सर जी, ये फैसिलिटी आप मतलब प्रोवाइड दे रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सर इतनी फैसिलिटीज के साथ में आप डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, भैया ये कहाँ है, गांव देहात में तो नहीं, हाँ, वो एक होता है रेलवे स्टेशन, बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन में ना हो, ठीक है, तो बात करते हैं, आप देख पाएंगे सर कि देखिए ये हमारा लोकेशन मैप हो गया, ठीक है।
अभी देखिए अपना जो ये भव्य विहार है, ठीक है, ये मोराबादी मैदान से मेरे प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मात्र 13 किलोमीटर है सर। अच्छा, मोराबादी मैदान से? जी बिल्कुल, और विद इन 10 किलोमीटर आपको सारा कुछ अवेलेबल है सर। अच्छे स्कूल लाइक डीएवी है, डीपीएस है, विकास है, कलकत्ता पब्लिक स्कूल है, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता हो गया, ठीक है, अच्छे यूनिवर्सिटी लाइक साईनाथ यूनिवर्सिटी हो गया, बीएटी मिश्रा हो गया, ये सारा सब विद इन 10 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक हिंदुर हॉल्ट हुआ करता था पहले, जो बड़ी लाइन बन गई है, फिर कोडरमा तक मिल भी गई है, यानी आने वाले समय में गया बिहार की ट्रेन इधर से ही होकर जाएंगी। जी, जी। तो यानी कि आपका रेलवे कनेक्टिविटी हो गया, प्लस अभी क्या है कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन यहाँ पर झारखंड राज्य का पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा शिलान्यास हुआ दुबलिया में, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है सर। रात को 10 बजे तक हमारा ऑटो चलता रहता है सर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर पूरी सुविधा है, ठीक है, प्लस जैसे ये इनर रोड है अपना रिंग रोड जो है, अभी आप देख पाएंगे कि जो चिमनी देख रहे हैं, यानी जहाँ मेरा प्रोजेक्ट लास्ट हो रहा है सर, वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा आउटर रिंग रोड निकल रहा है सर। अच्छा, आउटर रोड भी निकल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अभी तक आपने यहाँ पे कितने फ्लोट बुक हो चुके हैं? सर माता रानी की दया है, और अभी तक मात्र 4 महीने पहले हमने बुकिंग स्टार्ट की थी, और लास्ट हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और मात्र 4 महीने में हमारा फेज 1 जो है आप देख पा रहे हैं, ये सारा डीवीसी हो गया, ये सोल्ड हो गया सर। फेज 1 मतलब हमारे 148 प्लॉट्स थे अपने, जो कि सोल्ड कर दिए। अभी हमारा फेज 2 के भी बुकिंग हमने स्टार्ट कर ली है। फेज 2 में मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 36 प्लॉट हमारे जो है वो बुक हो चुके हैं सर। बुक हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल। ओके, और मैं बताऊंगा सर आपको पेमेंट ऑप्शंस के बारे में, और सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी फैसिलिटीज तो हम दे रहे हैं, रेट क्या है सर? रेट क्या, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है। जी जी जी, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अब आपको रेट के बारे में पता चलेगा, मिनिमम कितना डिसमिल हम यहाँ पे खरीद सकते हैं वो भी बताइएगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है, एक लिमिटेड प्राइस जो है। जी जी, ऐसा नहीं कि हाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, क्या बात कर, देखिए हमारा सर टारगेट सेगमेंट ही जो है वो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, ठीक है। मिडिल क्लास मतलब क्या होता है कि सर पेमेंट दे सकते हैं, बट बहुत ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी वो नहीं ले सकते, लेकिन क्या होता है ना, हर इंसान का हक होता है और सपना होता है कि अपनी जमीन पे अपना मकान हो, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग बहुत मिनिमम मार्जिन पे काम करते हैं। अभी जो एट प्रेजेंट हमारा रेट चल रहा है सर, वो मात्र 901 रुपया है सर स्क्वायर फीट, मात्र 901 रुपये विद ऑल एमटीज स्क्वायर फीट है। जी, एमटीज के हम कुछ अलग से चार्ज नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग जो डीवीसी वगैरह करके भी दे रहे हैं, ये रेट भी उसमें रेट में ही इंक्लूड है सर। अच्छा, ठीक है। और मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें तो हम मिनिमम प्लॉट पे ही खड़े हैं सर। अच्छा, ये मिनिमम है? हाँ जी, 3 डिसमिल का अपना है। अच्छा, साइन बोर्ड लगा हुआ प्लॉट नंबर 27 है, ये 3 डिसमिल का है सर, ठीक है। 3 डिसमिल मतलब होगी अपना 1306 स्क्वायर फीट, ठीक है। 1306 स्क्वायर फीट का 3 डिसमिल का प्लॉट है अपना सर, 901 रुपए स्क्वायर फीट है एट प्रेजेंट, ठीक है। फेज 2 का रेट चल रहा है अपना जी, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फिर, ये तो बताने का जरूरत नहीं है। जी, जी। तो मिनिमम 3 डिसमिल हम आपको लेना है, यानी कि 1,77,000 रुपए कॉस्ट आएगा 3 डिसमिल का। और सर हर एक फेज वाइज अपना जो है वो रेट भी इंक्रीज करता है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी फेज 2 का बुकिंग स्टार्ट है, फिर फेज 3 आएगा 50 रुपए इंक्रीज करेगा, फिर फेज 4 आएगा, चूंकि बड़ा प्रॉपर्टी होता है तो सर एक साथ डेवलपमेंट होना थोड़ा टफ हो जाता है सर। जी जी, सो दैट कि हम लोग उसको फेज बाय डेवलप करके स्टार्ट करके फिर उसको हम लोग डेवलप करते हैं सर। तो आपने ये देखा भव्य विहार, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आप ऐसा पूरा सोसाइटी बना के दोगे ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपको लाइट पहुंचा के देंगे आप दरवाजे तक, ठीक है। अच्छा, वाटर लेवल भी काफी अच्छा है सर, 80 फीट पे पानी है अपने यहाँ। अच्छा। हमारा सोचिए एक ही बोरिंग किया हो, एक बोरिंग समझ सारा काम किया है। हाँ। ये सारा डेवलपमेंट आपको सिर्फ 8 महीने का डेवलपमेंट है सर। अच्छा जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या क्या, जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। जी जी, देखिए हम बात करते हैं, देखिए मंदिर है हमारा, पार्क विद जॉगिंग ट्रैक हो गया, ठीक है, छठ पूजा के लिए तालाब हो गया, सीसीटीवी सर्वेलेंसेस हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया सर, ठीक है, गार्ड रूम हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, कम्युनिटी हॉल का स्पेस हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, मेजर चीज बात करते हैं, एक चीज और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, ठीक है, पेमेंट ऑप्शन सर। जी हाँ, पेमेंट ऑप्शन के लिए क्या है सर, उसके बारे में? देखिए बहुत सारे डेवलपर को आपने देखा होगा, तो उनका क्या होता है कि ना वो पावर पे या एग्रीमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। बट सर हमारा त्रिकुट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का सर पॉलिसी थोड़ी सी अलग होती है। हम लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, यानी कि आपसे पहले हम पैसा लगाते हैं सर, तो हम काफी डेप्थ चेक करते हैं उसको, सो दैट कि हमारे यहाँ बैंक फाइनेंस भी अवेलेबल है। अच्छा, आपके यहाँ है अवेलेबल? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बात है भाई, फिर लेट किस बात की हो रही है? जी जी, तो मैं बता रहा था आपको सर पेमेंट ऑप्शन, जैसे मैंने बताया कि हम लोग परचेज कर लेते हैं, तो अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन चाहते हैं तो सर वो इजिली अवेलेबल होगा, ठीक है। यानी कि हाँ बिल्कुल, आप वन टाइम पेमेंट दीजिए, रजिस्ट्री करेंगे, फिर म्यूटेशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है कि मैंने बताया बैंक ऑफ बैंक फाइनेंस। अच्छा, तो अपने यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, एक्सिस बैंक वगैरह से ऑलरेडी फाइनेंस हो रखा है सर। अच्छा, ठीक है, आप भी चाहें तो अपने बैंकर से बात कर सकते हैं, आपका जो भी बैंकर होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, कि जो मेरा लीगल क्लियर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप किस बैंक से मूव करते हैं, ठीक है।
थर्ड सर एक ऑप्शन होता है कि देखिए बहुत सारा अपना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है सर कि वन टाइम पेमेंट करना उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है जी। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनका कुछ ITR नहीं होता है या बैंक फिनांस नहीं कर पाता है उनको, या फिर वो बैंक फिनांस के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका एक ऑप्शन हमने और भी निकाला है कि जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा जी उसका मिनिमम 25% देना है अपने डाउन पेमेंट। देखिए हमने लिख भी रखा है, ठीक है, मिनिमम देना है 25% डाउन पेमेंट आपको, और रेस्ट जो बच जाएगा 75% उसको 36 साल डिवाइड कर 36 से वही आपका EMI हो जाएगा सर विदाउट एनी इंटरेस्ट। अच्छा, अगर किसी बैंक के लिए मूव करते हैं तो वहाँ आपको इंटरेस्ट पे करना है, यह हम आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट देते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो ये पेमेंट ऑप्शन भी सिंपल है अपना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है सर कहीं भी घर बनाइएगा तो वो जो चक्कर होता है कि रास्ता और नाली का और बिजली पानी ये सारा कुछ दे रहे हैं, ठीक है, मंदिर बना के दे रहे हैं, इतना इतना भगवा झंडा सर आपको किसी के साइड में नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है जी। तो कई चीजें हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं सर, ये चीजें हैं हमारा विजन, हमारा सोच। हम लोग क्या करते हैं सर, बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम नहीं करते हैं अपना, वो सेगमेंट ही होता है कि हम वॉल्यूम पे विश्वास रखते हैं सर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हर एक इंसान जिन्होंने घर नहीं बनाया है अपना, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे परसेंटेज है, more than 70% लोग जिनका खुद का मकान नहीं है सर, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि सबके सपने साकार हो, ठीक है, और वो लोग अपने जमीन पर अपना मकान बनाए। और इसके लिए मोंटी जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों तक ही पता चले, क्योंकि देखिए अपने यहाँ ब्रोकर सिस्टम भी नहीं है सर, हमने हमारे यहाँ कोई ब्रोकर नहीं है, अपने यहाँ जो भी इम्प्लॉई है जैसे ये साइट इंचार्ज हो गया हमारे मित्रराज, ठीक है, आप साइट पे आएंगे तो ये मिलेंगे आपको, ठीक है, आप इनके माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उसमें बुकिंग करा सकते हैं, आप साइट विजिट करके बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है सर, सिंपल है। चलिए, तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, एंड जितना भी जो भी था इस वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको अगर यहाँ आना है तो वो भी आपको बता देंगे कॉल पे भैया जी कि कैसे यहाँ पे आना है, एंड हमारे जो भी सब्सक्राइबर यहाँ पे आने वाले हैं, जो भी हमारे फैन लोग आने वाले हैं, वो लेंगे 100%, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं सर, आपसे कौन नहीं प्यार करता है सर, आपका नाम काफी है, और ये लोग ये भी जानते हैं अगर मोंटी जी किसी चीज को बता रहे हैं तो 100% जेन्युइन चीज होगी, एकदम जेन्युइन वही चीज है, इसलिए लोग तो हमें इतना बड़ा चैनल बनाया है। जी जी जी, तो आइए विजिट करिए, आप लोग भी देखिए यहाँ पर क्या रेट में आप लोग डील कर रहे हैं, डील वो फिक्स है या फिर कुछ अप डाउन भी होगा? नहीं सर, अपना जो रेट होता है, मैंने बताया ना यहाँ कोई ब्रोकर सिस्टम नहीं है, तो रेट अपना फिक्स होता है, बट अगर वन टाइम पेमेंट रजिस्ट्रेशन पे आप जाते हैं तो मेरा भी पूंजी सर वन टाइम निकल जाएगा, उसमें कुछ हम कर सकते हैं, और आपके व्यूअर के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे सर। तो हमारे लिए क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमारे जो भी ऑडियंस आते हैं उनको जरूर वेलकम करिए, और अपना प्लॉट को एकदम जरूर सेल करिए, और जो लोग भाई यहाँ से लेंगे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलेंगे आपसे जरूर। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिलाता हूँ हमारे फ्रेंड अमित राज मेहरा जी से, कैसे हैं? बस बढ़िया हूं, ये वीडियो के लास्ट में आ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारे फ्रेंड है और काफी क्लोज है, अगर आप इस साइड पे आओगे तो आपको यही मिलेंगे देखने के लिए, और ये आपको दिखाएंगे बताएंगे एंड क्या प्रोसेस है ये सारा कुछ बताएंगे। तो पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम हो गया अमित राज, आप जब भी आए मोस्ट वेलकम, भव्या विहार सोसाइटी में आपका स्वागत है, आप जब भी आए मोंटी जी का नाम ले लेंगे मेरे पास, मेरे को पर्चे भी दे देंगे, और बाकी सारा कुछ मैं आपको फैसिलिटी जो भी हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है वो सारा सिस्टम मैं जितनी जल्दी चाहूंगा कि आपको वो प्लॉट मैं आपको दे सकूँ। अच्छा, और मोस्ट वेलकम आप आए तो ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनको कॉल कर सकते हैं आप लोग और अपना प्लॉट को बुक करा सकते हैं। मैं भी अगर ये मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आप लोग के लिए, मैं सिर्फ ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनके जरिए मेरा बहुत सा काम आसान हो चुका है, तो यहाँ भी आप लोग का काम आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहे एंड सेफ रहे।